भागवत गीता के बाद कृष्ण और अर्जुन का संवाद है स्टार्ट हो जाता है। और कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भगवान श्री कृष्ण हैं अर्जुन का रथ, कौरव और सेना, कौरव की सेना और पांडवों की सेना, इन दोनों के बीच में रथ को ले जाते हैं। और अर्जुन कौरवों के जो महारथी हैं उनको देखते हैं और फिर अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से कहते हैं। तो अर्जुन कृष्ण का संवाद यहाँ पर चल रहा था। अर्जुन कहते हैं, किमनो राज्य ने गोविंद किम योगे जीविते ने वा ये सामर्थ्य कांगचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तै इमे अस्वस्थिता युद्धे प्राणाम इत्यक्तिवा धनानि च आचार्य पित्रा पित्रा पुत्रास्थितेव न च पिता महा मातुला स्व सुरा पुत्रा श्याला संबंधी स्थिता एतात्र हन्तु मेच्छामि व्रतो अपि मधुसूदना अपि त्रिलोके राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहित्ते ध्राते राष्ट्रत्र का प्रीति स्या जनार्दना। श्री अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण के से कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले अथवा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं तो मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इसका तात्पर्य है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है क्योंकि वे गोवों और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होते हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्टि करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति और कुटुंब के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्र तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उसके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य यहाँ पर सारे ऐश्वर्य कर सकता है, यानी यह सारे ऐश्वर्य है यहाँ पर। अतः हम कह सकते हैं कि भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि वह कृष्ण स्वयं उनका वध करें।
इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण इन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। अब उन्हें निमित्त मात्र बनाना था या बनाना है, इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना ही थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों के द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापमेवा श्रयेदस्या मानहन्तवे तानातानिया तस्मात्राह वयम हन्तु धत्राष्ट्रा संबंधो बांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम वा माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उसके मित्रों का वध करें, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा? और अपने ही कुटुंब को मारकर हम किस प्रकार का सुखी हो सकते हैं? तो इसका तात्पर्य है कि वैदिक आदेश के अनुसार आतताई छह प्रकार के होते हैं। पहला होता है विष देने वाला, दूसरा होता है घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा होता है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा होता है धन को लूटने वाला, पांचवा होता है दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और छठा होता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों को इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः उसके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य और उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन और शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यद्यपि न पश्यन्ति लोभो पहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोह च पातकम कथम न क्षेयम अस्याम हि पापा दस्मात्री वर्तुतम कुलक्षय कृत दोषम प्रपश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोही करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार की विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हैं? तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं कि
क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण किए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। और इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुत पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का निश्चय किया। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्ट कुले कृत स्त्रियो धर्मा भी वत्सुत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म से प्रवृत्त हो जाता है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के तो तरुण सदस्य बचे रहते हैं, वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्मा भी भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्णय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रित्व के पतन से हे वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य और जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पवनोन्मुखी होती हैं। अतः बालक तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। इस तरह उनके सतीत्व और अनुरक्ति में ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्न मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रवृत्त करेंगे और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। संकरो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पित्रो होषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा की विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल और पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रसित हो जाते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों के द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं।
केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। भगवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणा न किं करो नाय मृणी च राजन सर्वात्मान ये शरणम शरणम गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण की से मुक्ति हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषे रेते कुलग्रहणाम वर्ण संकर कारके उत्साह खन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं, इस तरह अवांछनीय संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों के द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में व्यवस्था फैलती है, फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुसरण कर लेते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवति तंतुन सुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मेरे गुरु परंपरा ने से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुना है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा और जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अहो वत महत पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्रा जय सुखिलो भेने अंतु स्वजन मूधता। ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप और माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि यदि माम प्रीति कारक शस्त्रम शस्त्रम पाणय धात्राष्टे रणे हन्त्युस्तंत में क्षेम तरम भवेत। श्री भगवान उवाच, यानी श्री भगवान यहाँ पर बोलते हैं, यदि माम प्रीति कारकमश्च शस्त्र पाणे धृतराष्ट्रे रणे हन्तुस्तमे क्षेमतरं भवेत्। यानी यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते और रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शस्त्रों पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरे दल युद्ध के लिए कितना उदत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दरिद्रता है कि जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। फिर संजय उवाच, संजय बोलते हैं, ए विमुक्तवा अर्जुना संखे रथो पस्ते उपाविशत
विसृज्य सस्रम जापम शोषक विग्रह मानस। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया है और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया है। इसका तात्पर्य है कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख करके रथ के आसन पर पुनः बैठ गया है। ऐसे दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का ये भक्ति वेदांत है तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है।